आज हम बात करने जा रहे हैं एग फ्रीजिंग के बारे में। क्या होती है ये एग फ्रीजिंग? सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कौन से एग्स की बात कर रहे हैं। हम उन एग्स की या ओसाइट्स की बात कर रहे हैं जो फीमेल बॉडी में ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, अंडकोष में प्रोड्यूस होते हैं, और इन एग्स से इवेंचुअली स्पर्म से फर्टिलाइज होकर बेबी बनता है या कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है। ये नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होती है। अब साइंस की एडवांसमेंट की वजह से, साइंस जितनी आगे बढ़ गई है, ये चीज थोड़े अलग तरीके से भी हो सकती है। ऐसी कोई फीमेल्स होती हैं जो कि अभी प्रेगनेंसी नहीं करना चाहती, अपने करियर में बिजी है, उनकी शादी हो नहीं रही, या फिर डिवोर्स हो गया है, या फिर कुछ टाइप के कैंसर्स हैं या कुछ बीमारियां हैं जिस वजह से अभी वो बेबी नहीं कर सकती, तो वो इन एग्स को प्रिजर्व कर सकती हैं। ये जो एग्स होते हैं ये एज के साथ साथ इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती जाती है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि बच्चा जल्दी करो, यू नो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इस टेक्निक में, जो एग फ्रीजिंग की टेक्निक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें आप एग्स अपने जो आपके करंट जो एग्स हैं उनको हम बना के उनको हम फ्रीज कर देते हैं, मतलब हम फ्यूचर के लिए अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर लेते हैं, ताकि 2-4 साल बाद अगर आप जब भी आप रेडी हो अपने आप एग्स यूज करना चाहें, उससे बेबी प्रेगनेंसी लाना चाहें, तो आपकी जो लास्ट एज थी जब आपने प्रिजर्व किए थे उसी क्वालिटी और क्वांटिटी के एग्स आपको मिले और आप अपना प्रेगनेंसी उन एग्स से फर्टिलाइज करके प्रेगनेंसी हासिल कर सकें। इसमें एडवांटेज क्या होता है कि जो हमारे एज से बढ़ने के कारण क्वालिटी और एग्स की क्वांटिटी में कमी आती है, वो हम उस कमी की वजह से हम सफर नहीं करते कि हमें कोई और इलाज करने पड़ रहे हैं या बच्चे आने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा इजीलर हो जाता है। विमेन के लिए मेंटली भी ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज क्या होता है कि अगर वो करियर में बिजी है या किसी और चीज में बिजी है तो उनको ये नहीं लगता कि मैं बेबी नहीं कर रही, मेरी एज निकल जाएगी। मेंटली इट इज अ वेरी ईजिंग फैक्टर फॉर द वुमन। सो इसका जो प्रोसेस होता है बहुत सिंपल होता है। यूजुअली सेकेंड डे ऑफ पीरियड से आपको इंजेक्शन शुरू होते हैं, 12 से 14 दिन के लिए आपको इंजेक्शन लगते हैं, और उसके बाद आपके एग्स जो है एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, एनेस्थीसिया में प्रोसीजर होता है, आपके एग्स निकाल के फ्रीज कर लिए जाते हैं। टिपिकली हम चाहते हैं 12 से 15 एग्स जरूर फ्रीज हो। कई वुमेन में जिसमें एज ज्यादा होती है, कई बार हमें 2 साइकिल्स भी करनी पड़ती हैं, इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं, मेडिकल एडवाइस होता है कि अगर एग फ्रीजिंग कर रहे हैं तो थोड़ी यंगर एज पे करिए, मतलब यूजुअली हम बिटवीन 28 to 35 एडवाइस करते हैं। जब हम फ्रीजिंग के लिए और लंबी और ज्यादा एज पे जाते हैं, 37-38 पे, तो कई बार हमें एग्स कम मिलते हैं या वीक मिलते हैं, तो हमें मल्टीपल साइकिल्स करनी पड़ती है। तो एडवाइस ये होता है कि अगर आपको फ्रीज करनी है तो अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वांटिटी में करिए, ताकि जब आप उस पर वापस जाना चाहें तो आपके पास इतना इनफ हो कि आप उसे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कर पाए। ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज भी हैं जो आजकल इस चीज के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव और बहुत एजुकेटेड स्टेप है, मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि इसकी वजह से जो साइंस ने तरक्की करी है उसको हम ह्यूमन बींग्स, हम फीमेल यूटिलाइज कर सकती हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फ्यूचर फर्टिलिटी के लिए। काफी डॉक्टर्स इसे ऐसे एडवाइस करते हैं, इट इज लाइक अ फिक्स डिपॉजिट फॉर योर फर्टिलिटी, कि ताकि आगे जाके आपका जब एज हो जाए या आप जब रेडी हो और आप, मतलब एज हो जाए, डिस्पाइट दैट आप इसको यूज कर सको सक्सेसफुली। तो दिस वाज अ फ्यू पॉइंट्स ऑन एग फ्रीजिंग।